वही देश 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन है। वही डेन अम्बे केबल नेटवर्क मजबूर लोगों की मदद के लिए आगे आया है। भैया भैया डेन अम्बे केबल नेटवर्क के निदेशक दीप चंद्र दीक्षित ने कानपुर जिलाधिकारी को 5 लाख का चेक दिया है और साथ ही उन्होंने बताया कि डेन अम्बे केबल नेटवर्क सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए शहर में कोरोना का जो प्रकोप फैला है इसके लिए जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी द्वारा बनी सद्भावना समिति में 5 लाख रुपए की सहयोग धनराशि देने का काम किया है और साथ ही एक टाटा बिगनर एम्बुलेंस भी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है जो कोरोना के मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम करेगी। उनके डिस्पोजल पे चलवा दीजिए। एन अम्बे केबल नेटवर्क कानपुर शहर में पिछले 10 वर्ष से केबल टीवी का व्यवसाय कर रहा है, इसलिए उस नेटवर्क की एक सामाजिक दायित्व तो बनता है कि शहर में कोरोना का जो प्रकोप फैला है इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने जो एक सद्भावना शिविर बनाई है उसमें 5 लाख रुपए का सहयोग धनराशि देने का काम किया है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस रेडी जो टाटा विंगर के नाम से है वो भी तैयार है, जिस समय भी जिलाधिकारी महोदय का निर्देश होगा उस अस्पताल या इस कोरोना संबंधित जो भी व्यक्ति होगा उसको वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी कि जिससे जो हो सके थोड़ा बहुत सब आगे बढ़कर मदद करें, क्योंकि ये एक सामाजिक सोशल इवेल है जिसको हम सब अगर थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तभी दूर कर सकते हैं। जो इंसान जितना भी सक्षम हो 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये या जिस रूप से भी मदद कर सकता हो प्लीज़ आगे आके मदद करें। ये हमारा देश है, हमें इस सामाजिक बुराई को हटाना है, तो आप सभी से मेरी विनती है कि जिससे जो बन सकता है प्लीज़ अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। देखिए, इस कार्य के लिए मैं कानपुर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि लोगों ने जिस तरह आगे बढ़ करके आपदा की इस घड़ी में प्रशासन की जो मदद की है इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आज जैसे डेन चैनल की तरफ से हमें 5 लाख की सहायता मिली है, ऐसे कुछ बड़े दानदाता रहे हैं जैसे जिन्होंने, जैसे कल एक दानदाता ने यहाँ के मित्र तिलक राज शर्मा, उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजी है। एक दिन एक दानवीर ने करीब 51 लाख की सहायता राशि दी है। कई संगठनों ने जो कि खासकर मीडिया बंधुओं की तरफ से, प्रेस क्लब की तरफ से उनकी जो भी योगदान रहा है मैं उसकी भूर सराहना करना चाहूँगा कि क्योंकि ये बहुत जो पत्रकार होते हैं ग्राउंड पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वेल पेड ऑफ नहीं होते, फिर भी इन्होंने जो उनका सीमित संसाधन है उनसे जो सहायता दी है और समय समय पर जिस तरह समाज को जागरूक करने में, पॉजिटिव न्यूज़ को कवर करने में और लोगों को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं, सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कायमगंज से है जहां प्रमुख समाज से